साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट या NDPS एक्ट, या दोनों अगर एक साथ लगा दिए गए हैं और वहां पर अक्यूज्ड अगर बेल की प्ली को आर्ग्यू कर रहा है तो उसे किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम बेल को आर्ग्यू कर रहे होते हैं तो हम कोर्ट का ध्यान टूवर्ड्स मेरिट्स ऑफ द केस जो है आकर्षित करते हैं, जो एक गलत टेंडेंसी है। जो बेल के लिए पैरामीटर हैं वो सेक्शन 436, 437, 439 CRPC में है। इसके अलावा अगर डिफ़ॉल्ट बेल को देखना है तो उसके लिए प्रोविज़न सेक्शन 167 CRPC में है। तो वो कौन कौन से बिंदु हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाए और उसकी लाइट में बेल को आर्ग्यू किया जाए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथियों, अक्सर जब मैं बेल आर्ग्यू करता हूँ इन मैटर्स में और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में खासकर, तो प्रोसिक्यूशन ये कहता है कि सब एविडेंस आई है, प्रोसिक्यूशन ये बोलता है कि सब कनेक्टिंग एविडेंस है, प्रोसिक्यूशन ये भी कहता है कि साहब ही इज़ अ गिल्टी, प्रोसिक्यूशन ये भी कहता है कि ही हैज़ कन्फेस्ड। मैं कहता हूँ सारी बात ठीक है, पर इंडियन एविडेंस एक्ट तब पिक्चर में आता है जब आपका ट्रायल जो है स्टार्ट हो गया हो। पर जब बात बेल की है तो बेल के स्तर पर कोर्ट को सिर्फ ये सेटिस्फाई देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर फैक्ट्स को ओवरलुक करें, अगर उसमें हल्का सा भी क्रैक आ जाएगा या कोर्ट को दिखता है कि प्रोसीजर लैप्स हुआ है, या जो बेसिक राइट्स थे अक्यूज्ड के, या जो फंडामेंटल राइट थे अक्यूज्ड के, या जो स्टैट्यूटरी राइट्स थे अक्यूज्ड के, उनको वॉयलेट किया गया है, तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा आपको मिल जाएगा। तो केवल और केवल बात है ध्यान देने की, कंसेप्चुअली क्लियर होने की और उसके लाइट में वर्कआउट करने की। तो आज का अध्याय काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू करता हूँ आज का प्रेजेंटेशन। साथियों, आप सबको एक बेसिक बात ध्यान है, एन अक्यूज शैल बी डीम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। पर जब बात करता हूँ NDPS की या ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक की, तो ये कोड जो है वो चेंज हो जाता है। साथियों, आप सब ने एक बात सुनी होगी, द अक्यूज शैल बी डीम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी, बट यहाँ पर कोड क्या है, द अक्यूज इज़ अक्यूज अनलेस प्रूवन गिल्टी, मतलब गिल्टी प्रूव हो चाहे नहीं हो, अक्यूज तो अक्यूज दी। और ये एक बेसिक आइडियोलॉजी है यदि किसी व्यक्ति को चार्ज किया जा रहा है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक में या NDPS एक्ट के अंदर। और अगर ये मामले हैं और खासकर क्वांटिटी कमर्शियल है, तो उन मामलों में बेल लेना काफ़ी मुश्किल वाला काम जो है हो जाता है, और ख़ासकर तब जब क्वांटिटी जो है वो कमर्शियल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ। साथियों, व्हेन अ पर्सन इज बुक्ड अंडर द NDPS एक्ट, इट डायरेक्टली गेट अफेक्टेड एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 37। क्योंकि सेक्शन 37 जो है ये बार करता है बेल को, खासकर NDPS एक्ट के अंदर। बट व्हेन इन द प्रोसेस ऑफ पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एंड मटेरियल इन्वेस्टिगेशन बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑन मियर डाउट अ पर्सन इज होल्डिंग सम कॉन्ट्रैबैंड मटेरियल विद हिम, इन दैट सिनेरियो सेक्शन 50 ऑफ NDPS एक्ट कम्स इन टू पिक्चर। जो कि होल्ड करता है कुछ कंडीशंस को, और वो कंडीशंस क्या है, रिगार्डिंग द सर्च ऑफ द पर्सन कंडक्टेड। और प्रोविजन क्या है कि इफ द पर्सन और अक्यूज सो रिक्वायर, देन द कंसर्न्ड पर्सन इन दैट सिनेरियो शैल टेक द परमिशन, दैट सिनेरियो द ड्यूली ऑथोराइज ऑफिसर शैल टेक सच पर्सन विदाउट अननेसेसरी डिले टू द नियरेस्ट गैजेटेड ऑफिसर और टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, इसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अब साथियों, एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है इलाहाबाद हाईकोर्ट का, इसको भी जो है हमें समझना है, जहाँ पर किसी अक्यूज को जो है बुक किया गया एज़ पर सेक्शन 8 ऑफ द 21 ऑफ द NDPS एक्ट एंड सेक्शन 18C, 18A, सेक्शन 27, 28 ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। हालांकि इस पर कई लॉ हैं कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के ऑफेंसेज जो हैं वो साथ साथ नहीं चल सकते हैं NDPS के, पर इसके बावजूद भी प्रोसिक्यूशन की एजेंसियाँ दिन रात ये प्रयत्न करती हैं कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक के साथ साथ NDPS का ऑफेंस भी जो है चलाया जाए। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ड्रग इंस्पेक्टर इन मामलों में सर्च करता है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करता है, और उसके बाद जो है FIR कटाता है। ऐसी FIR गैरकानूनी है और ऐसी FIR सेक्शन 162 CRPC से हेट है, इसको आप जो है नोट रखिएगा। और इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गणेश गोगोई बनाम स्टेट ऑफ असम में जो है स्थितियों को भी स्पष्ट किया है। साथियों, इस व्यक्ति के पास से 50 बॉटलें जो है कफ सिरप की रिकवर हुई थी, और सेक्शन 50 NDPS एक्ट का जो बेसिक प्रोटोकॉल है उसको भी जो है ब्रेक किया था इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी ने। तो यहाँ पर दो इशू रेज हुए, वेदर द ऑफर गिवन टू द एप्लीकेंट रिगार्डिंग सर्च बाय द पुलिस ऑफिसर्स एंड इस कंसेंट हैज़ बीन ऑब्टेंड, तो क्या ये कंसेंट और ये प्रोसीजर जो है वो लीगल है या नहीं है, वेदर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 50 ऑफ द NDPS एक्ट इज मैंडेटरी और नॉट, क्या से कंप्लाई विद करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। सबमिशन है एप्लीकेंट के कि ही हैज़ बीन फॉल्सली इम्प्लिकेटेड इन द प्रेजेंट केस, ये सबमिशन हमेशा आप दिया करो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर एक सबमिशन था ड्यू टू अल्टीरियर मोटिव, ये इसलिए हम लोग लेते हैं प्ली क्योंकि इन्होंने एक फॉल्स और एक प्लान रिकवरी जो है वो शो करी है।
ना तो मुझसे 50 बॉटल कफ सिरप की रिकवर हुई है और ना ही मेरा कोई कंसर्न इन बॉटलों से है। इन बॉटलों से मेरा क्या कंसर्न है यह तय होगा ट्रायल में, बट अपेरेंटली एट दिस स्टेज आई एम डिनाइंग माई कनेक्शन विद दिस बॉटल। सबसे इंपॉर्टेंट बात, नो पब्लिक विटनेस ऑफ द एलिज रिकवरी इज इंट्रेलिया कॉल्ड ऑन द रिकॉर्ड। जबकि सेक्शन 100 सब क्लॉज 4 CRPC का पढ़ोगे तो उसमें स्पष्ट है कि जो गवाह इंडिपेंडेंट हैं या गवाह जो पब्लिक के हैं उन्हें बुलाना पड़ेगा। इसके अलावा मैंडेटरी प्रोविजन जो धारा 50 में, उसको भी कंप्लाई विद नहीं किया गया। तो कोर्ट ने कहा कि अगर नॉन कंप्लाइंस है धारा 50 का तो वहाँ पर अक्यूज जो है इंटाइटल्ड है टू गेट द पे। इस सिनेरियो में जो सेक्शन 37 का जो बार है वो एप्लीकेबल नहीं होगा और इंटरेलिया जो प्रोसिक्यूशन की मजबूती है उसको उसकी ही नॉन कंप्लाइंस अफेक्ट कर रही है। और अक्यूज का यहाँ पर क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, ये भी उसके लिए प्लस पॉइंट रहा, जिसका विरोध जो है स्टेट ने किया। और स्टेट ने कहा कि सेक्शन 37 में अगर प्रथम दृष्टया ग्राउंड एग्जिस्ट है कि ही हैज कमिटेड द ऑफेंस, आफ्टर रिलीजिंग ऑन द बेल ही विल कमिट द ऑफेंस। साथियों, यहाँ पर स्टेट ने जो है रिलाई किया सेक्शन 37 NDPS एक्ट पे, और उनका कहना है कि रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव है कि इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस, तो वहाँ पर बेल नहीं देनी चाहिए। यहाँ पर सपोर्टिंग लॉ पेश किया डिफेंस ने, जिसका नाम था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज शिवशंकर, जिसमें यह हेल्ड हुआ कि वाइल कंसीडरिंग द बेल एप्लीकेशन विद रेफरेंस टू सेक्शन 37 ऑफ द NDPS एक्ट इज नॉट कॉल्ड अपॉन टू रिकॉर्ड अ फाइंडिंग ऑफ गिल्ट एज अ मेन वर्क ऑफ द कोर्ट इज टू सी द रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट द अक्यूज इज गिल्टी और नॉट एंड द रिकॉर्ड्स अकॉर्ड इज सेटिस्फेक्शन अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द ग्राउंड ऑन विच द प्रोसिक्यूशन इज ब्रिंगिंग द केस दैट द बेल शुड नॉट बी ग्रांटेड। अगर ऐसे मामले नहीं है तो वहाँ पर सेक्शन 37 का बार एप्लीकेबल नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने यहाँ पर आर्टिकल 21 संविधान को भी जो है प्रेस किया। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि लुकिंग टू द नेचर ऑफ अक्यूसेशन, नेचर ऑफ एविडेंस, नेचर ऑफ प्रोसीजर, रीजनेबल एप्रिहेंशन ऑफ द विटनेस बीइंग टेम्पर्ड एंड लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, क्योंकि ये सारे ग्राउंड जो है नेगेटिव थे, ये आपको आर्ग्यू करने होते हैं। और आप एक बात ध्यान रखा करो, जब भी बेल को आप आर्ग्यू कर रहे हो तो सेक्शन 437 सब क्लॉज 4 CRPC पे जो है जोर दिया करो। कोर्ट से कहा करो कि भाई अगर हम भाग रहे हैं या हम जो है गवाहों को जो है टेम्पर विद करेंगे तो आप कंडीशन जो है लगा दो, हम इंडिया नहीं छोड़ेंगे, हम गवाहों को टेम्पर नहीं करेंगे, इन्वेस्टिगेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड एंड देर इज़ नो रिकवरी फ्रॉम द अक्यूज, तो इट इज़ ऑल्सो गुड ग्राउंड टू गेट द बेल फ्रॉम द कोर्ट। तो कोर्ट ने यहाँ पर अक्यूज को जो है बेल पर रिहा करने के आदेश दिए। तो कुल मिला के छोटी सी बात है कि अगर हम पॉइंट को समझेंगे और सिस्टमेटिक आर्ग्यू करेंगे देन देयर इज़ अ चांस टू गेट द रिजल्ट फ्रॉम द कंसर्न कोर्ट एंड देर इज़ नो नीड टू बी वरीड। तो साथियों, देखा ना आपने कितना आसान था, अगर एक पॉइंट को समझा जाए और प्रॉपरली जो है आर्ग्यू किया जाए तो रिजल्ट्स भी जो है अच्छे आएंगे। तो जब भी बेल मैटर को आर्ग्यू कर रहे हों इन मैटर्स में तो इन पॉइंट्स का जो है विशेष ध्यान रखें, और अगर जितने भी नॉन कंप्लाइंस होंगे अगर उसको आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो देन दे आर पॉजिटिव फॉर यू। इसके अलावा इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिन मामलों में सजा जो है 7 साल से कम है तो वहाँ पर 41A CRPC के अलावा कि उसको मिलना चाहिए। और अगर एजेंसी मानती है कि वो भाग जाएगा या वो गवाह को टेम्पर करेगा, वो कॉपरेट नहीं कर रहा है, तो उसका स्पेसिफिक रीज़न विद द एविडेंसेस रिकॉर्ड होना चाहिए। और मियर वर्बैटम अक्यूज के लिबर्टी से हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो कुल मिला के बेल के स्टेज पर सेक्शन 437 सब क्लॉज 4 CRPC का मैंडेट, आर्टिकल 21 संविधान का मैंडेट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी लाइट में आर्ग्यू कीजिए और आपको अच्छे रिजल्ट जो है मिलने की पूरी स्थिति रहेगी। साथियों, टॉपिक अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही लीगल अपडेट आपको टाइम से मिल जाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि भविष्य में होने वाले जो भी अपडेट्स हैं, चाहे वो PML के हों, चाहे वो PCAT के हों, चाहे वो मैट्रिमोनियल के हों, चाहे वो चेक के हों, चाहे वो सरफेसिया के हों, चाहे वो फूड सेफ्टी के हों, आपको टाइमली जो है मिल सके। तो साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।